सत्संग घर में सातवें कोरोना वैक्सीन शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर विशेष रूप से कोरोना की दूसरी डोज लगवाने वालों के लिए लगाया गया है। इस शिविर में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने वैक्सीन लगवाई। इस बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर पंकज कंबोज ने बताया कि यह शिविर SMO डॉक्टर किरण की देखरेख में लगाया जा रहा है। यह हमारा यहाँ सातवां शिविर है। उन्होंने बताया कि हमारा आज का लक्ष्य लगभग 700 लोगों को वैक्सीन लगाने का है। डॉक्टर कंबोज ने बताया कि शिविर में वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने वालों को प्राथमिकता दी गई है। डॉक्टर पंकज कंबोज ने बताया कि गर्भवती महिलाएं भी इस वैक्सीन का लाभ उठा सकती हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कुछ कम हुआ है, लेकिन फिर भी हमें अभी भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। कोरोना की लगभग 5 स्टेज होती है और दूसरी स्टेज अभी चल रही है। हमें अभी भी सरकार द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी, तभी हम इस महामारी से बच सकते हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए एकमात्र सही उपाय कोरोना की वैक्सीन लगवाना है। हमें किसी भी बातों में ना आकर वैक्सीन का अवश्य लगवाना चाहिए, क्योंकि यह देखने में आया है कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की पूरी डोज लगवाई है, उन पर कोरोना महामारी का बहुत कम असर नजर आया है। देखिए, आज हमने यहाँ पर SMO डॉक्टर किरण की अध्यक्षता में कैंप लगाया है, और जैसे SMO मैडम के निर्देश अनुसार पूरी अच्छे से सारी सफाई व्यवस्था और ये सारा अच्छे से किया गया है। सत्संग भवन की तरफ से जो भी वैक्सीनेशन होगी आज, इसमें डोज 2 हमारी लगाई जा रही है। ऑनलाइन और ऑन द स्पॉट दोनों तरह के ही स्लॉट्स हमारे ओपन हैं, लेकिन सिर्फ डोज 2 लगाई जा रही है। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, अगर वो वैक्सीन अपनी लगवाना चाहती है, उनके लिए हमारे पास डोज 1 का ऑप्शन अवेलेबल है। तो हमने अपने जितने भी ये आशा वर्कर्स हैं और जितने भी हमारे और जितने भी वर्कर्स हैं, उनके थ्रू यहाँ पर मैसेज भिजवाया गया था कि डोज 2 है बाकी लोगों के लिए, और जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी हमने मोटिवेट किया है कि आकर वैक्सीनेशन का जो भी कार्य है आप करवा सकते हैं, इसमें डोज 1 भी लग सकती है आपकी। कौन सा कैंप है, क्या लक्ष्य रखा है? देखिए, आज हमारा ये लगभग 7वां कैंप है यहाँ पर, और आज का लक्ष्य जो है हमारा लगभग 700 के करीब का है। डोज अवेलेबल है काफ़ी, डोज 2 को हम प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि कुछ हमने पीछे जैसे डोज 1 के कई कैंप लगे थे, तो उन्हीं को देखते हुए डोज 2 का ही आज कैंप लगाया गया था। और इसमें सभी को, सभी तरह की जो भी किसी को कोई शंका भी है, उनको भी हम अच्छे से समझाकर और वैक्सीनेशन का करवा रहे हैं, और इसको अच्छे से मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएं। कितना लग चुके होंगे अब तक वैक्सीन? देखिए, अभी हमारे पास लगभग 55 के करीब वैक्सीनेशन हो चुकी है पहले 1 घंटे में, और अगर पहले 1 घंटे में 55 के करीब है, तो मेरे हिसाब से हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे उस हिसाब से। देखिए, इंद्री जो CHC है, उसमें लगातार वैक्सीनेशन चल रही है हमारी, और काफ़ी अच्छा वो चल रहा है। डोज 2 थोड़ी सी कम हमें लगी थी, इसीलिए डोज 2 को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसीलिए जितने भी अब कैंप्स लग रहे हैं, इसमें डोज 2 को प्राथमिकता दी जा रही है। वैक्सीन की कोई कमी तो नहीं है? बिल्कुल भी कमी नहीं है, आप देख सकते हैं लगातार पिछले लगभग 20 दिन से शायद ही कोई दिन ऐसा हो जिस दिन वैक्सीनेशन नहीं हो रही एरिया में, चाहे वो हमारा इंद्री हॉस्पिटल है या हमारी जो PHCs हैं कंसर्न। और टाइम टू टाइम हम अपने सब सेंटर्स पे भी वैक्सीनेशन के लिए भेजते रहते हैं वैक्सीन, किसी तरह की कोई कमी नहीं है वैक्सीन की। क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से अभी हमने जो दूसरी वेव आई थी कोरोना की, उसको झेला है, और उसको वो अब क्योंकि कम हो चुके हैं केसेस, लेकिन जो भी केसेस हमने देखे वैक्सीनेशन वाले थे, उनको कम से कम दिक्कत हुई है लोगों को। इसलिए मैं लोगों से आह्वान करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएं, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई हमारे केसेस बढ़ते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोटेक्टेड रहेंगे, किसी तरह की गंभीर समस्याएं नहीं आएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन करवाएं, आसपास के लोगों को मोटिवेट भी करें, मिलकर अगर लड़ेंगे इस बीमारी से, तभी इस महामारी से हम बच सकते हैं। तीसरी लहर का भी कुछ आशंका जताई जा रही है, तीसरी लहर का? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हमारी जो एपिडेमियोलॉजी में हम पढ़ते भी हैं, और जिस तरह से पैटर्न्स देखे जाते हैं, तो हो सकता है थर्ड वेव आए।
चांसेस तो होते हैं कि केसेस बढ़ जाएं, लेकिन जिस तरह से अगर वैक्सीनेशन हम अच्छे से करा लें और वैक्सीनेशन का कार्य अच्छी तरह से हो तो शायद हम इस थर्ड वेव को काफ़ी अच्छे से टैकल कर पाएंगे। साथ ही जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं और जितने भी हमारी अलग संस्थाएं हैं उनके लिए हम अलग से स्पेशल वो करवा रहे हैं ताकि आगे अगर केसेस बढ़ते हैं तो किसी तरह की ऑक्सीजन की या कोई किसी भी तरह की किसी तरह की किल्लत ना हो तो उनको उसी तरह से ही मॉडिफाई कराया जा रहा है। माई सेल्फ वंदना, सेकेंड डोज लगवाया था हमने और बहुत अच्छा लग रहा है और सबको ही वैक्सीन लगवानी चाहिए। एक अच्छा एक्सपीरियंस है ये, आप कोरोना से बचोगे इसीलिए आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए। थैंक यू। फर्स्ट में तो कुछ दिक्कत नहीं आई, सेकंड में देखते हैं क्या रहता है। फर्स्ट में तो कोई दिक्कत नहीं आई है, सेकंड में देखते हैं क्या फीडबैक रहता है इसका। हाँ जी, इंद्री से। हाँ जी, नितिन गांधी नाम है, इंद्री से हूँ और कोवैक्सीन की सेकेंड डोज लगवाने आया था तो बहुत अच्छा लगा रहा उसमें सत्संग आगे और बहुत ही सपोर्टिव स्टाफ और बहुत यानी कि अलग से फैसिलिटीज़ भी दी जा रही है यहाँ पे, तो सबको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। और मैं तो कहूँ सबको ही कोवैक्सीन शील्ड कोवैक्सीन डोज लगवानी चाहिए, फर्स्ट और सेकंड जितनी जल्दी से जल्दी हो सके लगवा लें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा इन फ्यूचर हर जगह सर्टिफिकेट के लिए या कहीं जाने के लिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं तो कहता हूँ जल्दी से जल्दी आ पाएँ, अगर सेकंड डोज जिसे नहीं लगवाई तो आज यहाँ राजस्व सत्संग घर इंद्री में सबको लग रही है, तो जल्दी से जल्दी आएँ इससे पहले कि शोक खत्म हो जाए। थैंक यू। अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।